बैक टू माई यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइज आज हम लोग आए हैं दानिश जैन के अपार्टमेंट। जैसे कि आप लोगों को पता था कि हमने दादा जी, जैसे बाबा जी ने हमें बोला था, वैसे हमने उस जगह जाकर इजाज़त मांगी थी उस जहाँ पर दिनेश की आत्मा भटक रही वहाँ पर, और वहाँ पर बाबा जी ने बोला था उस लड़की की आत्मा भी वहीं पर थी। तो हमने जो बाबा जी ने बोला था वैसे इजाज़त मांगी, लेकिन उसका वीडियो हम नहीं डाले क्योंकि बाबा जी की इजाज़त नहीं थी। तो आज हमने वहाँ से इजाज़त मांगी और बाबा जी को बताएंगे कि बाबा जी हमने इजाज़त मांग ली थी, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि वहाँ पर हमें जैसे जंगली जानवर जैसे पैंथर वो मोनू को दिखाई दिया था। उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए थे। तो मैंडी भाई बाबा जी आए तो बाबा जी को ये बताना था कि एक एक्चुअली एक पार्ट में थे जो बाबा जी ने हमें बोला था कि आपको वहाँ पर जाके इजाज़त मांगनी है, तो बाबा जी को आपको इतना ही बताना। अब उन्होंने जो इजाज़त में बताया वो ना आपको पता है, सिर्फ मोनू और मैं ही जानते हैं। बाबा जी जो इजाज़त मांगने उसी तरीके से मैंने वहाँ जाके इजाज़त मांगी। आपको बाबा जी को बोलना है कि उन्होंने आपने जैसा बोला वैसा करा, लेकिन वहाँ पर एक जो है जंगली जानवर जैसे पैंथर है या कोई भी था एक्सवाइजेड, मतलब इजाज़त आत्मा से कनेक्ट करने के, हाँ कनेक्ट करने बाबा जी ने मतलब इजाज़त मांगी थी। आप बस इतना मतलब बाबा जी समझ जाएंगे, ठीक है। और मुन्नू को कुछ वहाँ पर जानवर देगा, फिर हम लोग कार लेके भी गए थे, ठीक है, वहाँ पर देखा, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया हमें। तो ये बात आपको बाबा जी को बतानी है। तो दिनेश की जो गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, वो वहाँ पर भटकती है। तो बाबा अच्छा, जी वो उस दिन वो जो किस्सा था वो जी, उसके बाद दो बार गए वापस है, उसके बाद एक ही बार गए उसी लोकेशन। हम दो बार गए, दूसरी बार गए उस लोकेशन पर, तब मोनू भाई को कुछ वहाँ पे दिखा था पैंथर जैसा, और उसके बाद कार लेके गए थे। जी जी जी, उसी लोकेशन पे दो बार गए, ठीक है। तो ये बाबा जी को आपको बताना, बाकी मोनू आप साथ थे, आप बाबा जी को बता देना, ठीक है। तो चलिए गाइस आज हम बाबा जी को बुलाते हैं और जो भी मसला है इस मसले को हम पूछने की कोशिश करते हैं, फिर बाबा जी क्या बताते वो हम जैसा बाबा जी बोलेंगे वैसा हम करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, बाबा जी को कांटेक्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए, आपसे हमें कुछ बात करनी है किसी मसले में। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कोई भी हो, आप हमारे शरीर में आइए, हमें आपसे बात करनी है, आपसे किसी मसले में बात करनी है। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए, आपसे हमें कुछ बात करनी है। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहु। आइए चपेटे वाले बाबा तशरीफ रखिए, आइए खलील तशरीफ रखिए। जी इजाजत है इजाजत है। बताइए किस लिए हमें याद किया है।
बाबा जी शराफत भाई और मुन्नू भाई और जो है वो पहले जिस लोकेशन पे गए जहाँ दानिश जान का एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे क्या था पहले मतलब किसी दिनेश नाम के लड़के की आत्मा थी, उससे कनेक्टिविटी हो गई थी और उस लड़के के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ बाबा जी ने उसका सॉल्यूशन भी बताया था। लेकिन अभी जो है वो उसके बाद वापस गए थे ये लोग, तो शराफत भाई ने आपके कहने पे वहाँ पे इजाजत मांगी थी उस आत्मा से कनेक्ट करने की, उस आत्मा से बात करने की, कि उसके साथ जो भी हुआ उसको इंसाफ मिले और उसके बारे में सबको पता चले। वहाँ पे मुन्नू भाई को जो है वो मतलब कुछ जंगली जानवर भी दिखे थे, उसके बाद वापस वो लोग कार लेके गए थे, लेकिन अभी तक इस मसले के बारे में उनको समझ नहीं आया कि आगे क्या करना है। खलील जाइए, देख कर आइए आखिर क्या मसला है वहां पर, और ये भी देख कर आना कि हमारे बच्चों ने जो इजाजत मांगी थी उसमें इन्होंने किसी को परेशान तो नहीं किया। जाइए। जी बताइए खलील जी, जी जी, क्या इन्होंने जैसे हमने कहा था वैसे इजाजत मांगी थी? जी जी, एक काम करिए आप, इन्होंने जैसा आप बता रहे हो वैसे इजाजत तो सही मांगी थी, आप उन दोनों जो रूहे हैं उनको हमारे सामने पेश किया जाए। जाइए, हुक्म दीजिए उन्हें और हमारा नाम लेना वहां पर। जाइए। जगा दीजिए, आ जाइए सामने, बिठाइए इन्हें। अब बता मुझे दिनेश, ये सामने तेरी बैठी जिसे तू मोहब्बत करता था, अब मुझे ये बता कि तेरे साथ जो ज्यादती हुई थी उस चक्कर में इस बच्ची की भी जान गई है, तुमने हमसे छुपाया क्यों ये बात, ये बता पहले। ठीक है ठीक है, बच्ची अब तू बता क्या तू ऐसे नहीं बता सकती, किसी के शरीर में आकर बताना चाहेगी? मैं तुझे इजाजत देता हूं इसके शरीर में आकर बता कि तेरा मौत कैसे हुई थी और दिनेश से ये बात किस लिए छुपाई हमसे, क्योंकि इसके घर वालों ने जो बताया उससे मेरे बच्चे जानकर दंग रह गए कि ये सब मसला तेरी वजह से हुआ, पहले तुझे मारा गया फिर इसकी जान ली गई, और वो जान लेने का कारण ये था क्योंकि ये उससे मोहब्बत करता था, जमीनी मसला वहां पर था लेकिन इतनी बात नहीं थी, लेकिन जो मसला था वो इस वजह का था। आ जा इसके शरीर में। बता अब, मैंने तुझे शरीर भी दे दिया इसका, अब बता मुझे कि तेरे साथ क्या जाती हुई
और दिनेश ने ये बात क्यों छुपाई हमसे? क्योंकि दिनेश के साथ जिसने लोगों ने जिस दिनेश को मारा था वो बस सिर्फ मुझे ही पता थी, क्योंकि जिन लोगों ने दिनेश ने मारा था और दिनेश ने मुझे बताया था कि ये लोग मेरे दोस्त हैं और जमीन का साथ इन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है, क्योंकि ये लोग चार लोग इसके दोस्त थे, इन्होंने मिलकर वो जमीन ली थी दिनेश के साथ और ये बात मुझे ही पता थी, और वो ही लोग दिनेश को लेके गए और दिनेश को वहां जगह पे मार दिया, और ये बात उनको पता थी कि ये बात सिर्फ मुझे पता है, तो उन लोगों ने फिर वहां मुझे आके मुझे भी मार दिया। तो तेरे कहने का मतलब ये है कि दिनेश को नहीं पता था कि तेरी मौत हुई थी वहां पर? नहीं, दिनेश की मौत पहले हुई थी या तेरी मौत पहले हुई थी? दिनेश की मौत पहले हुई थी। दिनेश की मौत होने के बाद उन लोगों को पता था कि ये बात सिर्फ मुझे पता है और मैं किसी को बता दूंगी, इसलिए उन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ करके मुझे भी मार दिया। तेरे कहने का मतलब ये है कि दिनेश को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि तेरी भी मौत हो चुकी है? नहीं, और इसलिए तू उस रास्ते पर भटक रही है दिनेश से दूर, ताकि दिनेश को ये पता ना हो कि तुझे भी मार दिया गया है, यही कहना चाहती है तू? और दिनेश बिल्कुल सच बोल रहा था कि जमीनी जायदाद के मसले में उसे मारा गया, और जमीनी जायदाद का मसला तूने तुझे भी बताया था उसने, और दिनेश को ये अभी भी पता नहीं है कि तेरी मौत हुई? मैंने अब इसके सामने बुलाया तो इसको पता चला है कि तेरी भी मौत हो चुकी है, यही कहना चाहती है तू? तेरे साथ बहुत जाती हुई है बच्ची। दिनेश को नहीं पता है कि उन लोगों ने सिर्फ दिनेश को नहीं, दिनेश को प्यार को भी मार दिया, और उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया और मुझे सुनसान एक जगह पे ले गए, और वहां मेरे साथ बहुत कुछ गलत करने के बाद उन लोगों ने मुझे भी मार दिया। बच्ची फिक्र मत कर और रो मत, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, मैं तुझे तेरी रूहों को अल्लाह के बारगाह में दुआ करूंगा कि तुम दोनों को जन्नत नसीब हो। अब मेरी बात सुन, जो होना था वो हो गया और उनकी सजा भी उनको मिल गई है, जैसा कि मेरे बच्चों ने बात की है, और उसका हक भी मेरे बच्चों ने, उसकी जमीन का हक भी उनके घर वालों तक पहुंचाया, लेकिन उनके घर वालों ने जो बताया उससे मेरे बच्चे भी दंग रहे। दिनेश बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, तुझे तो पता भी नहीं कि इसकी मौत हो गई है, तेरे घर वालों को पता है क्योंकि वो जिंदा है। आज मैं तुम दोनों को ये इजाजत देता हूं कि जब तक तुम्हारी मौत का वक्त ना हो जाता तब तक तुम दोनों हमारे कबीले में रहोगे, हमारे साथ रहोगे, क्योंकि तुम दोनों नेक बंदे हो और नेक लोगों को हमारे कबीले में सख्त जरूरत है। जब तक तुम्हारी मौत की तारीख नहीं आ जाती तुम दोनों की, तब तक मैं तुमसे वादा करता हूं तुम दोनों हमारे साथ रहोगे, हमारे कबीले में रहोगे, तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, तुम्हें हर तरह की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, और तुम्हें जो तुम खाना चाहो वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें तब तक ही रखूंगा तब तक जब तक कि तुम्हारी मौत का जो तारीख, मेरी बच्ची रो मत, बाबा जी कुछ कीजिए, वो रो रही है उससे मिलकर, और वो भी रो रहा है क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसकी इससे जितनी मोहब्बत करता है वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब तुम दोनों साथ रहोगे कबीले में हमारे साथ, जब तक तुम्हारी मौत की तारीख नहीं आ जाती तब तक तुम्हें मैं इजाजत देता हूं कि हमारे कबीले में तुम हमारे साथ रहो, क्या तुम्हें यह मंजूर है? तुम्हारी इजाजत भी लेना हमें जरूरी है, क्योंकि हम किसी की बिना इजाजत के उन्हें हम हमारे साथ, जहां आप रखोगे मैं वहां रह लूंगी। मेरी बच्ची रोना बंद कर और झटके से इसके शरीर से निकल जा, क्योंकि इसका शरीर इतना मजबूत या इतना पावरफुल नहीं जो तेरी आत्मा को सहन कर सके, निकल जा जल्दी से। मेरे बच्चे दिनेश मत रो, तू क्या चाहता है कि तू हमारे कबीले में रहेगा, चाहता है तू? ठीक है,
खलीद चपेटे वाले बाबा चाहिए, इनका जोरों शोरों से इस्तकबाल करिए इन दोनों का, और इन्हें जहां ये रहना चाहते हैं वहां इन्हें रखिए और इनके लिए सारी सुविधाएं करिए, जिससे ये आदमजात के जैसे जिए। मैं मानता हूं कि ये आदमजात की दुनिया या जिंदगी तो नहीं जी पाएंगे, हमारी जिन्नतों की दुनिया में इनका स्वागत कीजिए और कबीले में ढोल नगाड़ों से इनका स्वागत करिए, क्योंकि अब ये हमारे मेहमान है। जब तक इनकी मौत की तारीख तय नहीं हो जाती तब तक ये हमारे कबीले में रहिए, जाइए इनके लेकर जाइए, ये भी आपसे हमारे बच्चे हैं, जाइए इन्हें, हमने इनकी रूह को तब तक शांति मिलेगी जब तक हमारे कबीले में ये रहेंगे। मेरे बच्चे, हमने इन दोनों बच्चों को हमारे कबीले में पनाह दे दी है, जब तक इनकी मौत की तारीख नहीं आ जाती तब तक ये हमारे यहाँ पर रहेंगे, और इनको किसी भी तरह की जो है हम जो भी ये चाहेंगे वो इनके लिए हम जो भी यहाँ आदमजात की जैसे तो हम नहीं रख सकते, लेकिन हमारी जिन्नातों की दुनिया में इनका स्वागत है और हम इनको अच्छे से रखने की पूरी कोशिश करेंगे, हमारा पूरा कबीला इनके साथ है। अब हमें इजाजत दीजिए, हमने उन दोनों रूह को मिलाकर उनको अपने कबीले में रख दिया है और अब वो अच्छे से रहेगी, और मैं उनसे बोलूंगा कि हमारे बच्चों के लिए वो दुआ करें। जी बाबा जी। अब आप हमें इजाजत दीजिए। जी बाबा जी, इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जनाब भाई, क्या बोला बाबा जी ने? बाबा जी ने जो है वो बहुत सारी बातें बताई है जी। मतलब आप लोग जब गए थे ना वहाँ पे कि दिनेश की आत्मा है, तो वहाँ पे मतलब जब गए तब मैं तो था नहीं, लेकिन बाबा जी ने ये सब बताया कि मोनू के अंदर अभी जो है ना वो मतलब दो आत्माएं आई थी, तो दिनेश की जो दिनेश किसी लड़की से प्यार करता था, दिनेश की वो प्रेमिका हो गई, लवर हो गई, तो उसको जो है वो मारा गया है। इस बात के बारे में दिनेश की आत्मा को पता नहीं था, क्योंकि दिनेश के बाद उसको मारा गया। अच्छा। और दिनेश के घर वालों को पता है कि उसकी प्रेमिका जो थी जिससे वो प्यार करता उसको मारा गया, उस लड़की को जो है बड़ी बेरहमी से मारा गया, और उसके साथ मतलब सब गलत चीजें जो करते हैं लोग आजकल होता है ना, क्या रेप वगैरह करके मार दिया उस टाइप से, और उसको ऑन द स्पॉट वही मार दिया लड़की को, तो इसकी वजह से जो है वो दिनेश की आत्मा भी परेशान है, लड़की की आत्मा भी परेशान है। आप तो अब उसके बाद तो फिर बाबा जी ने बोला कि आप जो भी मतलब जाओगे जिस भी लोकेशन पे वहाँ पे, तो उसके पहले मतलब बाबा जी ने जो है वो दिनेश की आत्मा और दिनेश जिससे भी प्यार करता उस लड़की की, दोनों की आत्माओं को जो है बाबा जी ने अपने कबीले में शामिल करने के लिए कहा है, ताकि जब तक इनकी नेचुरल डेथ होती ना, कभी इतनी उम्र तक होती, क्योंकि ये तो जो तरीका था वो नेचुरल नहीं था, तो तब तक वो वहां पे उनकी आत्मा जो बिना किसी परेशानी के रह सकती, ताकि लोगों को भी आने जाने वालों को परेशानी नहीं हो और वो भी आराम से रहे, उनका वो टाइम पीरियड जब तक उनकी नेचुरल डेथ का टाइम नहीं आया, उसके बाद फिर उनको मुक्ति मिलेगी। अच्छा, ऐसा है। तो चलिए दोस्तों, तो अभी आगे कुछ करने का तो नहीं बोला बाबा जी? आगे कुछ करने का तो फिर जहाँ तक मैंने सुना, मुझे इतना चीजें याद, अगर शायद कुछ मिस हो गया हो तो एक बार आप क्लिप देख लेना, है ना। तो चलिए गाइज, जैसे मेंडी भाई बता रहे मतलब कि इन दोनों रूहों को बाबा जी ने जो है अपने कबीले में रखा है, और मैं वीडियो देख लूंगा ताकि कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।